जालंधर की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि ये धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है। कहा जा रहा है कि इसमें एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को अचानक बस्ती शेख में कूड़े के डंप के समीप टावर वाली गली में फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था, जिस दौरान फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से महिला बुरी तरह से झुलस गई। मौके पर पहुंची थाना 5 की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री खोली गई थी और वर्करों से काम करवाया जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। उस समय भी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे थे। कैमरामैन हार्दिक के साथ पूजा की रिपोर्ट। धमाका तो हुआ, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं इतला दी? दो घंटे पहले का धमाका हुआ था। ये ज्यादा ये कुछ नहीं है, वो भट्टी सिर्फ गिरा है उसी। आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी, मैं पूछ रहा हूँ। आप मैं पट्टी कराने गया था बंदे का, इसीलिए नहीं किया। वापसी आया, अभी आ रहा हूँ। अभी आप बोलते हो कि छोटी सी चोट थी। कहाँ है वो जो जिसको चोट लगी, वो कहाँ पे है? लेडीज कहाँ है? ये कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ की, पंजाब की। लेडीज जो काम कर रही है पंजाब की, कहाँ की है? क्या नाम था उसका? बाहर कहाँ से लेकर? गेट तो ताला लगा था। नहीं, हम लोग गए थे ताला लगा के, फिर उसके बाद आए। कौन से हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल ये लोकल ही में गए। किस चीज़ की फैक्ट्री है? हैंडटूल। क्या नाम क्या है आपका? मुराद। यह दो ये इंसिडेंट है और तो दसिया नहीं इन्होंने। क्या सीधा छुपाने की कोशिश की इसने? जरा वेरीफाई कर लेंगे सर। वो फोन किया ब्लास्ट होया जी, मैं आके देखा था। गैस वाली भट्टी है जी, गैस वाली भट्टी है। काफ़ी ब्लास्ट होया, जानी ये कह रहे चार दिन सी लेडी इंजर हुई है, वो चेक कर देंगे। ठीक, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच एक काम कर रहा है और कानून दी शरियां धरियां उड़ा रहा, तुहाडी कानून व्यवस्था से सीधा सीधा ये निशाना ला रहा। कहिंदे ते बंदी कोई कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, 188 का तो दोगे। उस तो बाद जी पट्टी जी है उनके जे रब ना करता कोई माड़ी घटना घट जाती तो उनका जिम्मेवार कौन होंगे? फिर इन्हें मामला छुपाने की कोशिश की है और लेडीज़ को यह बारों बार इतों लै गया, फैक्ट्री में ताला ला गया, जाने कि इन्हें कानून के सीधा सीधा खिलवाड़ किया।